बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूए प्रॉपर्टी एस्टेट यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू घर वॉन किनाल का, जो वाक़ है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी DHA रोड कमाहा रोड पर। आप देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन जो बहुत ही फाइन लुक दे रहा है। कलर कम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं। घर के अंदर एंटर होने से पहले आप मेन स्ट्रीट देख सकते हैं। जो मेन बुलेवार्ड रोड के साथ लिंक करता है। घर के बाहर का ग्रीन एरिया देख सकते हैं आप। इसी तरह घर के लेफ्ट साइड पर भी ग्रीन एरिया बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। नाज़रीन आप कार रैंप भी देख सकते हैं, जिसमें फैंसी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मेन गेट देख सकते हैं आप, ब्लैक एंड गोल्ड कलर में मेटल के साथ डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, जिसमें ग्लास भी इंस्टॉल किया जाएगा। अभी जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस का, घर की मेन एंट्रेंस का मेन डोर जो ब्लैक एंड गोल्डन में मेटल के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है। फुटस्टेप की बात की जाए तो ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले आप कार पाउच देख सकते हैं। कार पाउच की आप स्पेस देखते हैं, जिसमें बैक वगैरह 3 से 4 सेडान कार आराम से पार्क हो सकती हैं। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। वॉल देख सकते हैं आप, आयत कुरानी के साथ स्टोन वर्क में डिज़ाइन की गई है, जो बहुत ही फाइन लुक दे रही है। घर के अंदर का ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं। वॉल देख सकते हैं आप, स्टोन वर्क के साथ आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिज़ाइन की गई है। और आप ये ड्राइंग रूम की स्लाइडिंग विंडो के सामने देख सकते हैं, जो वॉल बहुत ही खूबसूरत स्टोन वर्क और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ डिज़ाइन की गई है, जो अंदर से बहुत फाइन लुक देती है। तो नाज़रीन हम एंटर होते हैं घर के अंदर की जानिब। जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो हमारे बिल्कुल सामने टीवी लॉन का मेन एंट्रेंस और राइट पर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एंटर होने से पहले मैं आपको ड्राइंग रूम का मेन डोर दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं सोली डैशवुड में और ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर की तरफ। फ्लोरिंग की बात की जाए तो वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सामने आप देख सकते हैं वॉल इंपोर्टेड वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है। सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं आप फानूस के साथ। ये स्लाइडिंग विंडो देख सकते हैं आप, और उसी के सामने वॉल डिकोर की गई है स्टोन वर्क और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, जो बहुत ही
फाइन लुक दे रही है। ये आप देख सकते हैं टीवी लॉन से भी एक्सेस ड्राइंग रूम को दिया, और ये टीवी लॉन से पहले मेन बाहर गैराज की तरफ से भी एक्सेस दी है। फ्लोरिंग की बात की जाए तो इंपोर्टेड टाइल का इस्तेमाल किया गया है। हम एंटर होते हैं टीवी लॉन की तरफ, मेन डोर देख सकते हैं आप टीवी लॉन का। सॉलिड डैशवुड में गिलास के साथ डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही अंदर एंटर हुए, फ्लोरिंग की बात की जाए तो 2x2 टाइल करारा वाइट का इस्तेमाल किया गया है। उसी के सामने आप देख सकते हैं मीडिया वॉल सॉलिड डैशवुड में तैयार की गई है। स्लाइडिंग विंडो देख सकते हैं, उसके सामने आप वार्ड डेकोर की गई है वो भी देख सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं फनोस के साथ। तो नाज़रीन ये हम किचन के अंदर एंटर हुए। फ्लोरिंग की बात की जाए तो स्लैब देख सकते हैं, ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है स्लैब्स पर। कवर्ड देख सकते हैं आप चॉइस कंपनी की तरफ से हब इंस्टॉल की गई है, और उसी के ऊपर चॉइस कंपनी की तरफ से हुड भी इंस्टॉल किया गया है। स्लाइडिंग विंडो देख सकते हैं, उसी के साथ नीचे सिंक देख सकते हैं आप मिक्सर के साथ। आप देख सकते हैं माइक्रोवेव ओवन भी इंस्टॉल किया गया है कवर्ड्स के साथ, और उसी के साथ हायर कंपनी की तरफ से रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड होना भी बाकी है। अब हम चलते हैं उसी के साथ सर्विस किचन की तरफ, और सर्विस किचन का आप देख सकते हैं एक्सेस बाय ओपन लॉबी की तरफ से भी एक्सेस दी हुई है। आप डबल डोर देख सकते हैं, सिंक देख सकते हैं मिक्सर के साथ। चॉइस कंपनी की तरफ से हुड इंस्टॉल किया गया है, उसी के साथ छोटा बर्नर इंस्टॉल किया गया है। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेड फर्स्ट की तरफ। जैसे एंटर हुए आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पर वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। वॉल देख सकते हैं आप, और उसी के साथ मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। अब हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। देख सकते हैं आप इंपोर्टेड वैनिटी इंस्टॉल की गई है मिरर के साथ। वॉल भी देख सकते हैं इंपोर्टेड टाइल्स के साथ डिज़ाइन की गई है। शावर एरिया देख सकते हैं आप,
कैबिनेट्स जो कलर कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप। हम एंटर हुए बेड टू की तरफ, वॉल देख सकते हैं इंपोर्टेड वॉलपेपर के साथ। मीडिया वॉल, चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। जैसे ही एंटर हुए लेफ्ट पर इंपोर्टेड वैनिटी इंस्टॉल की गई है मिरर के साथ। आप वॉल भी देख सकते हैं इंपोर्टेड टाइल्स के साथ डिज़ाइन की गई है। कबर्ड्स देख सकते हैं आप। हम एंटर हुए बेड थ्री की तरफ। फ्लोरिंग पर आप देख सकते हैं वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सामने मीडिया वॉल देख सकते हैं आप। सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं आप। एंटर होते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। जैसे एंटर हुए आप देख सकते हैं सामने इंपोर्टेड वैनिटी इंस्टॉल की गई है। देख सकते हैं गोल्डन बाउल, गोल्डन मिक्सर जो बहुत ही फाइन लुक दे रहा है। इलेक्ट्रिक मिरर भी देख सकते हैं आप। वॉल देख सकते हैं आप बहुत इंपोर्टेड वैनिटी टाइल्स के साथ डिज़ाइन की गई है। चकोजी भी इंस्टॉल की गई है, वो भी देख सकते हैं आप। वॉल हैंगिंग कमोड, शावर एरिया देख सकते हैं। ग्रोही कंपनी की तरफ से शावर सेट देख सकते हैं आप इंस्टॉल किया गया है। कबर्ड देख सकते हैं आप मिरर के साथ डिज़ाइन की गई है। नाज़रीन ग्राउंड फ्लोर का हमारा ओवरव्यू मुकम्मल होता है। इससे ऊपर जाने से पहले आप देख सकते हैं पाउडर रूम भी डिज़ाइन किया गया है स्टेयर्स के नीचे छोटा सा। इलेक्ट्रिक मिरर इंस्टॉल किया गया है, छोटी सी वैनिटी इंस्टॉल की गई है मिक्सर के साथ। तो इसी के साथ हमारा ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू मुकम्मल होता है। हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो आप देख सकते हैं तो फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस इन्होंने बाहर ओपन लॉबी से भी दी हुई है। ये डबल यूनिट घर डिज़ाइन किया गया है और स्टेयर्स देख सकते हैं आप। ग्रिल्स देख सकते हैं ब्लैक एंड गोल्डन, गोल्ड में मेटल में डिज़ाइन की गई हैं। और उसी के साथ आप देख सकते हैं स्टेयर्स के सामने आयत कुरानी के साथ वॉल डेकोर की गई है। अब देख सकते हैं ओपन लॉबी से भी एक्सेस दी हुई है। और जैसे ऊपर की जानिब चले तो स्टेप्स पे देख सकते हैं आप ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है।
स्टेयर्स के ऊपर वॉल देख सकते हैं स्टोन वर्क के साथ डिज़ाइन की गई है, और उसी के ऊपर फानूस इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं आप। जैसे हम ऊपर एंटर हुए तो हमारे राइट पर बेडरूम फर्स्ट डिज़ाइन किया गया। हम चलते हैं बेडरूम फर्स्ट की तरफ। फ्लोरिंग पे देख सकते हैं आप वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं आप फनोस के साथ। आप ये विंडोज़ देख सकते हैं ओपन एरिया की वेंटिलेशन के लिए, जो बाहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू देती हैं दे रही हैं। मीडिया वॉल भी देख सकते हैं आप। अब हम एंटर होते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। जैसे हम एंटर हुए फ्लोरिंग पे देख सकते हैं 4x2 टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ब्लैक एंड गोल्ड टाइल्स इंपोर्टेड टाइल्स के साथ वॉल डिकोर की गई है। ब्लैक एंड गोल्डन वैनिटी आप देख सकते हैं इंस्टॉल की गई है, और उसी के साथ मिक्सर, और आप देख सकते हैं उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर भी इंस्टॉल किया गया है। कोजी देख सकते हैं आप इंस्टॉल की गई है। इंपोर्टेड कमोड इंस्टॉल किया गया है, वो भी देख सकते हैं आप। शावर एरिया देख सकते हैं आप, ग्रोही कंपनी की तरफ से शावर इंस्टॉल किया गया है। नाज़िन कबर्ड्स देख सकते हैं मिरर के साथ डिज़ाइन की गई हैं। हम फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन की तरफ चलते हैं। जैसे ही एंटर हुए 4x2 की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। सामने देख सकते हैं मीडिया वॉल, स्लाइडिंग विंडो, हुए फर्स्ट फ्लोर के किचन की तरफ। जैसे अंदर एंटर हुए सामने देख सकते हैं आप हब इंस्टॉल की गई है। और उसी के ऊपर हुड इंस्टॉल किया गया है। सिंक मिक्सर सिंक देख सकते हैं आप। अब हम बेड सेकंड की तरफ चलते हैं।
जैसे अंदर एंटर हुए मेन देख सकते हैं आप मीडिया वॉल, सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं आप, फ्लोरिंग पर इंपोर्टेड टाइल का इस्तेमाल किया गया है देख सकते हैं आप। अटैच वाशरूम की तरफ चलते हैं, जैसे अंदर एंटर हुए सामने देख सकते हैं पोर्ट्रेट वैनिटी मिरर के साथ इंस्टॉल की गई है, और उसी के साथ आप वॉल भी देख सकते हैं इंपोर्टेड टाइल्स के साथ डिकोर की गई है। शॉवर एरिया देख सकते हैं आप, कबर्ड्स देख सकते हैं आप मिरर के साथ डिज़ाइन की गई हैं। हम बेड रूम 3 की तरफ चलते हैं, जैसे अंदर एंटर हुए मेन डोर पे वॉल पे देख सकते हैं आप इंपोर्टेड वॉल पेपर के साथ डिज़ाइन की गई है। एंटर होते हैं अटैच वाशरूम की तरफ, जैसे अंदर एंटर हुए हमारे राइट पर इंपोर्टेड वैनिटी गोल्डन एंड वाइट बाउल के साथ इंस्टॉल की गई है। शावर एरिया देख सकते हैं आप, कबर्ड्स देख सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस घर की डिमांड भी मैं आपको बता देता हूँ, इस घर की प्राइस जो है वो 6 करोड़ है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।